यहोशू अध्याय 15 यहोशू अध्याय 15 यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम के सिवान तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सिवान पर है ठहरा। उनके भाग का दक्षिणी सिवाना खारे ताल के उस सिर वाले कोल से आरंभ हुआ जो दक्षिण की ओर बढ़ा है और वह अक्रबिम नाम चढ़ाई की दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेश बरने की दक्षिण की ओर को चढ़ गया, फिर हेस्त्रोन के पास हो अद्दार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गया। वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकला और उस सिवाने का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारा दक्षिणी सिवाना यही होगा, फिर पूर्वी सिवाना यर्दन के मुहाने तक खाराताल ही ठहरा और उत्तर दिशा का सिवाना यर्दन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोग्ला को चढ़ते हुए बेतराबा के उत्तर की ओर होकर रुबेनी बोहन वाले नाम पत्थर तक चढ़ गया और वहीं सिवाना अकोर नाम तराई से दबीर की ओर चढ़ गया और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुका जो नाले की दक्षिण ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वह एनशेमेश नाम सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकला, फिर वही सिवाना हिमनोन में पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है उसकी दक्षिण अलंग से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जो पश्चिम की ओर हिमनोम की तराई के सामने और रपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सिवाना उस पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नाम सुते को चला गया और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकला, फिर वहां से बाला को जो किर्यतारीम की कहलाता है पहुंचा, फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेइर पहाड़ तक पहुंचा और यारीम पहाड़ जो कसालोन भी कहलाता है उसकी उत्तर वाली अलंग से होकर बेतशेमेश को उतर गया और वहां से तिम्ना पर निकला। वहां से वह सिवाना एक्रोन की उत्तरी अलंग के पास से होते हुए शिक्रोन गया और बाला पहाड़ होकर यबनेल पर निकला और उस सिवाने का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम का सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला उसकी चारों ओर का सिवाना यही हुआ और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच का भाग दिया, अर्थात किर्यतर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है। वह अरबा अनाक का पिता था और कालेब ने वहां से शेषय, अहिमन और तलमय नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत सेपेर था और कालेब ने कहा जो किर्यत सेपेर को मारकर ले ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। तब कालेब के भाई उतनियल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया और जब वह उसके पास आए तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा तू क्या चाहती है। वह बोली मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दे दिए। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में एदोम के सिवान की ओर ये है, अर्थात कबसेल, एदेर, यागुर, कीना, दिमोना, अदादा, केदेश, हासोर, इलान, जीप, तेलेम, बालोत, हासोर हरदत्ता, करियोथेस्त्रोन जो हासोर भी कहलाता है और अमाम, शमा, मोलादा, हसगर्दा, हेशमोन, बेप्तालेत,
हस्शुआल, बेरशेबा, बिजोता, बाला, ईम, एसेम, एल्तोलद, कसील, होर्मा, सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना, लबाओत, शिल्लिम, एन, रिमोन, ये सब नगर 29 है और इनके गांव भी है। और नीचे के देश में ये है अर्जातु, एशात ओल, सोरा, अश्ना, जहो, जनोह, एन गन्नीम, तप्पूह, एनाम, यरमुत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, शारेम, अदितैम, गदेरा और गदेरोतैम, ये सब 14 नगर है और इनके गांव भी है। फिर सनान, हदाशा, मिगदलगाद, दिलान, मिस्पे, योक्तेल, लाकिश, बोस्कत, एग्लोन, कब्बोन, लहमाश, कितलिश, गदेरोत, बेत दागोन, नामा और मक्केदा, ये 16 नगर है और इनके गांव भी है। फिर लिबना, एतेर, आशान, इप्ताह, अश्ना, नसीब, किला, अकजीब और मारेशा, ये 9 नगर है और इनके गांव भी है। फिर नगरों और गांव समूह समेत एक्रोन, और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने अपने गांव समेत जितने नगर अश्दोद की अलंग पर है। फिर अपने अपने नगरों और गांव समेत अश्दोद और अज्जा बरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तीर तक जितने नगर है। और पहाड़ी देश में ये है अर्थात शामीर यत्तीर, सोको, दन्ना, किर्यसन्ना जो दबीर भी कहलाता है, अनाब, एश्तमो, आनीम, गोशेन, होलोन और गिलो, ये 11 नगर है और इनके गांव भी है। फिर अराब, दुमा, ईशान, यानिम, बेतपुह, अपेका, हुमता, केरतरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है और सियोर, ये 9 नगर है और इनके गांव भी है। फिर माओन, कर्मेल, जीप, युता, इज्रेल, युकदाम, जनोह, कैन, गिबा और तिमना, ये 10 नगर है और इनके गांव भी है। फिर हलहुल, बेतसुर, गदोर, मरात, बेतनोत और एलतकोन, ये 6 नगर है और इनके गांव भी है। फिर किर्यतबाल जो किर्यतवारीम भी कहलाता है और रब्बा, ये 2 नगर है और इनके भी गांव है। और जंगल में ये नगर है अर्थात बेतराबा, मिद्दिन, सकाका, निबशान, लोनवाला नगर और एंदगदी, ये 6 नगर है और इनके गांव भी है। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं।